सबसे पहले पप्पा जी को वही हैप्पी बर्थडे, और दूसरी बात अमरीश जी का, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ उनके घर पे, और पहला मेरा आना ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छे पावन पर्व पर आई हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि अमरीश जी की जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पप्पा इनकी पूरी करे, बहुत दिल से बहुत श्रद्धा से ये सब उन्होंने किया है। और जो पूरा कार्यक्रम मैंने अभी बाहर आके देखा, भजन कीर्तन सब भगवानों को याद किया जा रहा है, तो बस मैं तो यहाँ के मस्त हो गई, बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू अमरीश जी फॉर इन्वाइटिंग। सबसे पहले तो मैं भोजपुरी के दर्शकों को करण पांडे की तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभेच्छा देना चाहूँगा, और बड़ा ही मनभावन चीज़ चालू है, खास करके हमारे भाई राकेश भाई, जैसे ही मैं आया राकेश भाई के मुखबिंदुओं से बड़े अच्छे भजन सुनने मिले। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अमरीश जी को, जिन्होंने बुलाया और जिन्होंने मुझे इतना अच्छा आज का माहौल लग रहा है गणपति का दर्शन करके, और इतनी अच्छी भजन चालू हैं। और मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगा, एक बार जोर से बोले, गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। धन्यवाद सबसे पहले समस्त भोजपुरी समाज के, जे हमने के इतना प्यार दुलार देके इस शहर में बाबा के कृपा से हमने के आगे बन गया, और आज भोजपुरी समाज बहुत आगे जा रहा बा। जना समाज के अभिन्न अंग जे भी है, जा एक्टर एक्ट्रेस समस्त फैमिली गार्जियन जे भी बा, आज मुंबई जैसे शहर में अमरीश भैया के घर पे जे कि इतना प्यार दुलार देखे के मिलल, एहसास ये भैया कि शायद हम बम्बे में अभी 2 मिनट खाती नहीं थी, इसलिए जौना हिसाब के माहौल रहे घर पर, सब लोग नाचत गावत, खास करके हमारी डॉक्टर जी हैं आंटी जी, इन्होंने बहुत डांस किया, और मैं सौभाग्य मानता हूँ कि सपना जी लंदन से आई हैं। अब सोची कि हमने के विकास हिंदुत्व कहाँ बा, कि सब लोग हर जगह से आके और मतलब पर्व की एंजॉय करता, और भैया तो खैर बढ़ले बनी जो सबके बुलौनी सबके प्यार देनी, तो रघुराज सभी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जे गणपति के पावन पर्व में रघुरा सभी हर लोग के आशीर्वाद प्यार देता नहीं। लास्ट बा हमनी में चाहब जा कि गणपति हर लोग के भोजपुरी समाज के इतना खुश रखस, इतना विकास करस कि आवे वाला समय में हमनी के भोजपुरी कणकण माटी हर जगह जाना जाए। धन्यवाद। अच्छा ठीक बा, हम ऐसे हम गायक होने के नाते हमको हमेशा ये गाने उने का दबाव रहता है, तो अभी मैंने एक भजन गाया अमरीश भैया घर पे गणपति जी के, और वो भजन में एक गलती भैल है कि संजय पटियाला जो बहुत अच्छा पियारो है हमने के उतनी गायब रहन, वो भजन जब ध्यान कम दे बोले, लेकिन उनका क्या बागल बड़े तो हम सुना देते नहीं। एक भजन गाया हमने कि हर की केसर लाडू से कि केसर लाडू से सजवले बानी थारी कि पूरा तैयारी बड़ुए कब वाई बाबा हमरो दुआरी, पूरा तैयारी बड़ुए कि बानी गरीब रोजे जुगती जुटाई अन्न धन कुछो नहीं खे भाव हम खियाई कि तनी बुझी अपना बेटा के लाचारी कि पूरा तैयारी। धन्यवाद सबके, धन्यवाद मीडिया के, आप लोग हमेशा ऐसे ही हम लोग को प्यार देते रहिए और हमेशा हमने भोजपुरी समाज के आगे ले जाए। धन्यवाद। आंटी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हर दफ़ा गणपति जी के दर्शन के लिए बहुत आतुर होती हूँ, और यह छठा साल है, सिक्स्थ ईयर, इस दफ़ा मैं अपनी बेटी और ग्रैंड चिल्ड्रन को लेके आई लंदन से, और वो लोग भी देख के खुश हैं सभी। सपना कुछ बोले अच्छा फंक्शन हुआ है आज, बहुत अच्छे भोजन सिंगर अच्छे हैं, आप कुछ बोलो। हाँ ईशान, ईशान बोलो बेटा, कहना चाहेंगे? गणपति 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 पापा, गणपति पापा, मंगल मूर्ति। थैंक यू बेटा।